पिछले 5 दिनों से चल रहे उर्दू शिक्षकों व मदरसा पैरा टीचर्स का धरना रैली पैदल मार्च में हुआ तब्दील। कलेक्ट्रेट सर्कल से मुख्यमंत्री निवास की तरफ किया कूच। रैली की शक्ल में पहले गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी, फिर वहां बड़ी संख्या में लोगों के साथ में रैली 2 की कतार में मुख्यमंत्री निवास की तरफ सरदार पटेल मार्ग होते हुए बीजेपी कार्यालय राजमहल टी पेंट से सीधे सिविल लाइन फाटक पर उन्हें रोक लिया गया। रैली शांतिपूर्वक मगर मुख्यमंत्री होश में आओ डोटासरा मुर्दाबाद के नारे के साथ में 2 लाइन में चलते हुए पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में रैली के साथ चली। सभी की मांग थी मदरसा पैरा टीचर्स को परमानेंट करो और उर्दू के साथ हो रहे भेदभाव को बंद करें। रैली के आयोजक अमीन कायम खानी पुरजोर तरह से सभी साथियों को मोटिवेट कर रहे थे। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम के संयोजक सैयद अनवर शाह भी रैली के आगे स्कूटर पर चल रहे थे। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। जैसे ही रैली सिविल लाइन फाटक पर पहुंची, वहां पहले से ही पुलिस ने पूरा बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर रखा था और पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे। रैली के साथ अशोकनगर SCP सुहेल राजा, बनी पार्क SCP नवाब खान व SHO बनी पार्क नरेश रैली के पूरी तरह से निगरानी रखते हुए लेकर पहुंचे। 7 लोगों का डेलीगेशन मुख्यमंत्री निवास पर जाने के लिए तैयार किया गया। अपना मांग पत्र वहां पर आला अधिकारी को देने की बात थी तो सिविल लाइन फाटक पर ADCP अविनाश व सैयद अनवर शाह के बीच कुछ बहस हुई, क्योंकि कुछ पुलिस वाले रैली में आए लोगों के नाम पते लिख रहे थे। इस पर सैयद अनवर शाह ने विरोध किया, कहा कि पूरी पुलिस की निगरानी में जब रैली आई है तो फिर नाम पते क्यों लिखे जा रहे हैं। उस पर ADCP अविनाश ने कहा कि बिना परमिशन के रैली निकली है, इसलिए मुकदमा दर्ज होगा। दोनों में बहस हुई। ACP अशोक नगर सुहेल राजा और बनी पार्क ACP नवाब खान ने सैयद अनवर शाह को समझाइश करके मामला ठंडा किया। वहां पर आए पैरा टीचर्स ने कहा कि कम वेतन की वजह से घर चलना बेहद मुश्किल है, सरकार ध्यान नहीं दे रही, जबकि सब BA BEd है। 7 जनों का डेलीगेशन जब मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद अधिकारी शाहीन अली व कुलदीप राका ने उनकी बात को पुरजोर अच्छे अंदाज में सुना और पूरी बात को तफसील से बयान किया। सभी डेलीगेशन में पहुंचे लोगों ने अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि ये बातें सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचा दी जाएगी। मदरसा तालीम और उर्दू तालीम को लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय का जो घेराव किया गया है, उस घेराव के बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय के जॉइंट सेक्रेटरी शाहीन अली खान साहब को मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किया है कि वो हमारी मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा करें, उस पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगिए। और कल हमारा डेलीगेशन जब मिला है मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के जॉइंट सेक्रेटरी से, उस प्रतिनिधिमंडल के साथ में बिंदुवार सभी बिंदुओं पर हमारे मुतालबात पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर हम लोगों के मांग पर मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय होना है, उसके लिए जो तथ्यात्मक रिपोर्ट, जो वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को पेश करेंगे, उस पर मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। अगर हमारी वाजिब मांग मदरसा पैरा को निर्णय लेना, मनसा पैरा का ऑडियर बढ़ाना, उनका इंक्रीमेंट लगवाना, मनसा पैरा समान काम समान वेतन देना, 6,000 मदरसा शिक्षा सहायक भर्ती का रिजल्ट आउट करना, उर्दू तालीम जो बंद कर दी गई सरकारी स्कूल से दर्जा 1 से 5 उसको बहाल करना, उर्दू तालीम से जुड़े 8 लाख बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उनको दर्शी किताबें प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। इन सभी मांगों पर अगर सरकार के मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई हमारे हक में फैसला जल्दी लेने की उम्मीद है, अगर फैसले लेने में कोई देरी करेंगे तो हम लोग भी आंदोलन को बाद दस्तूर जारी रखेंगे। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम संघर्ष को जारी रखेंगे। अमीन कायम खानी, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ। देखिए, हमें 11 साल हो गए हैं पैरा टीचर में लाइन में हैं, पर अब तक सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। हम लोगों की मतलब जो हमारा पे स्केल है वो इतना कम, इतना मतलब वो मजदूरों से भी ज़्यादा कम किया हुआ है। आज आप सोचिए कि इस महंगाई के ज़माने में किस तरह से हम अपने लोग अपने गृहस्थी को किस तरह से चला रहे हैं, ये हम लोग भी जानते हैं।
मगर सरकार सुध लेने का कोई नाम ही नहीं ले रही है, उसको कुछ परवाह ही नहीं है कि क्या है भाई, ये लोग भी कुछ हैं वो और लोग, मतलब इनको चाहिए गवर्नमेंट को कि कुछ तो हम लोगों के लिए करे ये, कुछ मतलब इतना नहीं चलिए हम लोग, अब हम लोग इस टाइम जो काम कर रहे हैं सब लोग बीए से कोई कम नहीं है इस लाइन में, हाँ फिर और अब गवर्नमेंट जो है हमें कुछ मतलब क्या दे रही है, मतलब मजदूर से भी कम मजदूरी, मतलब जो एक मकान बनाने वाला एक मजदूर काम करता है उससे भी कम मजदूरी हम लोगों की है, और हमारी गृहस्थी अब किस तरह से चलती है ये हम सभी जा, हम सब लोग जा, हम लोगों के दिल जानते हैं, बस अब गवर्नमेंट को क्यों सुध नहीं आ रही है हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने कांग्रेस को इसीलिए जिताया कि भाई ये कुछ, ये सरकार तो हमारे लिए कुछ करेगी, तो बीजेपी का नाम लेते हैं ये लोग कि बीजेपी हम लोगों के खिलाफ है, बीजेपी वो करती है, मगर ये आप लोग क्या कर रहे हैं हमारे लिए, आपको भी तो चाहिए ना हमारे लिए कुछ करें, अब इतना तो कर दे हमारा मान दे कि हम एक इज्जत की ज़िंदगी जी सके, हाँ हमें लोग इज्जत की नज़र से देखें, हमें अपनी कोई हमसे अपनी सैलरी पूछता है आपको क्या पेमेंट मिल रहा है तो उसको बताने में हमें झिझक आती है, चरम से आती है, क्या बोलें, बोले एक टीचर की ये बोले तो, और बस इससे यही है गवर्नमेंट से गुजारिश, उससे रिक्वेस्ट है हमारी अशोक गहलोत साहब से कि सर प्लीज़ कुछ तो करिए, आप देखेंगे जब हम घर के, हम लोगों के घरों के हालात, तो आपकी भी आंखों में एक बार आंसू आ जाएंगे इस तरह के हालात हो चुके हैं। आपका नाम बता जी? मेरा नाम कमर जहां।